हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, अब क्या वैल्यू है इस पर्सन की नज़रों में आपकी, तो वो चीज़ें आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देख रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप जानना चाह रहे हैं कि इनकी नज़रों में आपकी अब क्या वैल्यू है। और दूसरी चीज़, रीडिंग की शुरुआत के पहले आपको अपने ईष्ट देव, अपने प्रभु, अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाके। तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर से कीजिएगा और हम देखते हैं कैंडल वैक्स के थ्रू कि अब क्या वैल्यू है इस पर्सन की नज़रों में आपके लिए। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है व्यूअर्स की, उनके पार्टनर की नज़रों में। गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। देखिए, बेसिकली कह देते हैं ना कि जब इंसान दूर जाता है वैल्यू उसकी तभी समझ में आती है। तो आपके केस में यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ कि आपके दूर जाने के बाद या आपसे दूर होकर ही ये पर्सन अब आपकी वैल्यू, इनकी लाइफ में क्या है उस चीज़ को समझ रहे हैं। क्योंकि आपके साथ होने पर इनकी ज़िंदगी में बेसिकली मोमेंट्स थे, इनकी ज़िंदगी में लोग थे जो कहीं ना कहीं इनके साथ रहना पसंद करते थे। और आपके बाद इस पर्सन की ज़िंदगी से जैसे लोग दोस्त भी अब खिजे खिजे रहने लगे हो, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझते हैं। यहाँ पर GITF ये लेटर्स मुझे दिखाई दिए। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी मुझे बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। L लेटर यहाँ पर है, C लेटर है, U लेटर भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि जब तक आप इस पर्सन की ज़िंदगी में थे तो आप इनके लिए फ़ाइट करते थे, भले इन्होंने आपके लिए फ़ाइट करी हो या नहीं, या आपने कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होने ही नहीं दिया जिसमें आपके सामने आपके पार्टनर के अगेंस्ट कोई आकर फ़ाइट करे या बोले, तो ये पर्सन उस चीज़ को अब महसूस करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अब इस पर्सन की ज़िंदगी में इन्होंने अपने लिए 4 लोगों से 4 बातें सुनी हो और अब इनके दिल में उस चीज़ को लेकर चलता है कि भाई आप थे तब तक इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ सुना नहीं, तो वो चीज़ें इनके दिल में बहुत ज़्यादा चलती है। जितनी ज़्यादा इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। वाई लेटर, जे लेटर, टी लेटर ये सभी मुझे दिखाई दिए। जी और जे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओ लेटर भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। पी लेटर ये रहा। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जाने के बाद ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की, बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इस पर्सन का ना कहीं पर मन नहीं लगता। ऐसा दिख रहा है जैसे अब इन्होंने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी हो। 4 लोगों के बीच में जाते हैं तो 4 लोगों की बातें इन्हें ऐसे लगती है कि वो इन पर ही कमेंट कर रहे हैं, इन्हीं को टारगेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे दूर जाकर या आपको दूर कर अब बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं और अपने आप को अकेला रखकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन में ही इस पर्सन को समझ में आता है कि आप इनके लाइफ में क्या थे, आपकी क्या जगह थी। जितनी ज़्यादा इस पर्सन को आपकी वैल्यू, इनकी लाइफ में क्या थी समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अब रोते हैं। लेकिन ये पर्सन ना अब अपने आप को बेइंतहा अकेला फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है अब ना कि
अब ये जो लाइफ है इनकी, ये जो ज़िंदगी है इनकी, एक बोझ के बराबर हो गई है। यहाँ पर देखिए जैसे बहुत सारे वैंड्स हैं जो इनके कंधे पर लाद दिए गए हैं एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ गिल्ट। तो इनको ऐसा लगता है कि अब जो भी बोझ भार है इसे इन्हें अकेले ही ढोना पड़ेगा या ये अकेले ही ढो रहे हैं। जो चीज़ें इस पर्सन को आपकी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस पर्सन को समझा रही है कि आप होते तो शायद ये सब इन्हें करना नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा भटके भटके ये पर्सन रहते हैं, कहीं पर भी जैसे इस पर्सन का अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा, ध्यान नहीं लग पा रहा, तो ऐसा भी यहाँ पर है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना लोगों से अब खिजे खिजे रहते हैं खुद भी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि किसी के पास जाएंगे तो वो इनके ऊपर चार बात करेंगे, चार कमेंट करेंगे, और हो सकता है ऐसा कुछ हुआ भी हो इनके साथ, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप में ज़्यादा रहते हैं। अपने आप से प्यार करने की, अपना ध्यान रखने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें ये समझ में आ रहा है कि जिसकी नींव ही टूट गई है, यानी कि आप जिसकी नींव ही उससे पीछे छूट गई है, वो क्या और कितना अपना ध्यान रख सकता है या रख सकती है। तो वो चीज़ें इनके दिल में चलती हैं, यानी कि ये पर्सन आपके दूर जाने के बाद या अपनी नज़रों में समझ पा रहे हैं कि आप इनकी नींव थे जिसे इन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया। यहाँ पर ई लेटर, एच लेटर, एफ लेटर ये सभी मुझे दिखाई दिए हैं। इनके दिल में ना ये चीजें हैं कि आपसे ही ये प्यार कर रहे थे, मतलब इन्हें ना ये किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने आपसे प्यार करा है। जब भी प्यार का नाम आता है तो इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम चलता है, तो वो चीज़ें ये पर्सन महसूस करते हैं। देखो अब आपके पर्सन की ये सिचुएशन हो गई है, ये या ये हालात हो गए हैं कि ये ना अपने आप को बंद कमरे में बंधा हुआ महसूस करते हैं, एकदम स्टक। एक तो अंधेरा कमरा है, ऊपर से उसके दरवाजे बंद हैं, और उसके बाद इनके हाथ भी बंद हैं, इन्हें ऐसा फील होता है। और इन्हें ऐसा लगता है ये सब इसीलिए इन्हें अब फील होता है क्योंकि अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। आप थे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ या ऐसा कभी लगा ही नहीं, तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन महसूस कर रहे हैं या इनकी नज़रों से ये चीज़ें इस तरह से इनके सामने आ रही है। आपके साथ जो भी पल थे ना इनके, उन्हें बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर 9 नंबर यानी कि जून एंड सितंबर मंथ भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दिया है। आपकी मेमोरीज इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रखी है, और ऑब्वियसली उसके पीछे की वजह यही है कि इनके नज़रों में क्या वैल्यू है आपकी, वो ये समझ पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने ना इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, गिफ्ट दिए हैं, इमोशंस दिए हैं, प्यार दिए हैं, अब उसकी कमी अपनी लाइफ में बेनतहा मिस करते हैं ये पर्सन। पॉसिबिलिटीज़ है कि अब म्यूज़िक सुनना इन्होंने शुरू कर दिया हो, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर W लेटर, M लेटर मुझे दिखाई दिया। इनको ना अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो आपसे मुंह मोड़ा ही या आपको पीठ दिखाई ही, लेकिन आपने भी अब इन्हें पीठ दिखा दी है, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को बेनतहा परेशान करती हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी खुशियाँ आप हो, इनकी ज़िंदगी में जो भी खुशी के पल थे वो आपके साथ ही जुड़े हुए थे, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं पलों को याद कर करके ना आपको सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं कि काश वो पल वापस से आ जाए। आप शायद इस पर्सन को सोशल मीडिया पर ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से मैसेज सेंड नहीं कर रहे हो, या जो कर रहे हो वो इस पर्सन को मेंटली लेवल पर डिस्टर्ब कर रहा है। एस लेटर नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। देखो ये पर्सन जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये रोते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि
जैसे कि आपको इन्होंने अपने आप से कितना दूर कर दिया, बहुत ज़्यादा आप इनसे दूर हो गए हो, उस चीज़ को ये पर्सन समझते हैं और उस चीज़ को इसीलिए तो समझ पा रहे हैं क्योंकि इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, इनकी लाइफ में क्या है वो ये समझ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्हें फील होता हो कि मेरी ज़िंदगी की जो ग्रोथ थी, जो प्रोग्रेस थी, वो आप थे, आपका साथ था, जिसे एक वक्त पे पर्सन समझ नहीं पा रही थी। जितना ज़्यादा अब आपकी वैल्यू इस पर्सन की नज़रों में बढ़ी है ना, उतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है आपसे मूव ऑन करना, उतना ज़्यादा टफ होता जा रहा है इनके लिए। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जितना ज़्यादा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, उतने कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को चौराहे पे खड़ा हुआ पा रहे हैं, जहाँ पर किसी भी रास्ते पर इन्हें पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आ रही है, नहीं देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह की खुशियाँ। ई लेटर यहाँ पर दिखाई दिया, ऐसा दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स है ना, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते थे, बहुत शरारतें करते थे, ये पर्सन उस चीज़ को ना अब नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसे भुला नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से, या आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सभी चीज़ों से ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। बजाय खुश होने के ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर अब एकदम आइसोलेट हो गए हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फुल स्टॉप लग गया है, जिसे ये चाहकर भी अब नकार नहीं सकते हैं। बहुत डरे डरे ये पर्सन रहने लगे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, मतलब अपनी बातों को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उसी जगह पर बैठे हैं ढीठ बनकर। ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारे मैन्युपुलेटिव लोग हैं, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। इस पर्सन का ना डेफिनेटली अब आपके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल सा बनता जा रहा है, ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं, मतलब बिना आपके ये पर्सन बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। आपकी यादें ना इस पर्सन के दिमाग में जैसे चलती रहती हो 24 घंटे, और वो इसीलिए चलती है क्योंकि ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। सी लेटर यहाँ पर है, ये एल लेटर है, और ऐसे यहाँ पर टी लेटर बनता हुआ दिखा। ये पर्सन जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। चलिए टैरो से और देखते हैं और साथ में राशियाँ भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी यहाँ पर आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या वैल्यू है अब मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन की नज़रों में, गाइड कीजिए बताइए अब क्या वैल्यू है व्यूअर्स की उनके पार्टनर की नज़रों में। एस ऑफ सोर्ड्स, ट्री ऑफ कप्स, द टावर, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स। 3 एसेस की यहाँ पर एनर्जीज आई है, तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले राशियाँ। जैसे ये आपका हो गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एरीस लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, एंड कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। तो एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखा, यानी कि आपका जनवरी मंथ, तो पॉसिबिलिटी है जैसे एक साल का आपका इनके साथ रिश्ता रहा हो, एक महीने से आप लोगों के बीच में दूरियां चल रही हो, या उससे भी कहीं वक्त का आपका रिश्ता है लेकिन एक साल से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस चल रही हो,
कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर ज्योग्राफिकली दूरियाँ भी दिखाई दे रही हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक वक्त पे जब आप लोगों के बीच में चीज़ें उलझी, जब इस कनेक्शन की यहाँ पर नींव हिली ना, तो इस पर्सन ने उस नींव पर ध्यान नहीं दिया, बजाय उस नींव पर, उस फाउंडेशन पर ध्यान देने के, ये पर्सन इस रिश्ते से चुपचाप दबे पाँव चले गए। सिचुएशन को और ज़्यादा कंट्रोल से बाहर छोड़कर ये पर्सन इस कनेक्शन से दूर चले गए एक वक्त पे, बिना इस सोच के साथ कि ये जिधर बढ़ रहे हैं वहाँ पर बाहरी तौर पर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, दोस्त दिख रहे हैं, लेकिन बिना नींव के आपकी ज़िंदगी कब तक उसी तरह से स्टेबल रहेगी जिस तरह से अब चल रही है। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन को क्लियरिटी मिली है कि आपको ये छोड़कर, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके, एक्चुअली में ये पर्सन अपनी लाइफ की फाउंडेशंस को कमज़ोर कर गए, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन इस चीज़ को लेकर क्लियर हुए हैं, या इनकी नज़रों में अब इस चीज़ की क्लियरिटी है कि बिना आपके ये पूरे नहीं हैं, बिना आपके इनकी लाइफ में एक हेल्दी शुरुआत नहीं है, या बिना आपके इनकी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। उस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे हैं, इनकी नज़रों में डेफिनेटली आपकी इम्पोर्टेंस है, बढ़ गई है आपकी इम्पोर्टेंस दूर जाने के बाद ही, यहाँ पर ये है, इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से क्लियर है। ये पर्सन आपकी वैल्यू तो समझे ही समझे, लेकिन साथ में ये पर्सन ये भी समझ पाए हैं कि ये आपके लिए आज भी कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, कितना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए आज भी वो जुनून है, वो पैशन है जो उस वक्त पे हुआ करता था, लेकिन इस वक्त पे इसीलिए नहीं रहा क्योंकि इन्होंने उस वक्त में बाहरी चीज़ों को देखा या अट्रैक्टेड हुई हुई चीज़ों को देखा, जिसके चलते इन्होंने जो फाउंडेशन होती है ना वो दिखती नहीं है, उसे देखा ही नहीं, तो उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली इस पर्सन को अब समझ में आ गई है, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की नज़रों में अब क्या वैल्यू है मेरे व्यूअर्स की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। रिसेप्टिविटी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितना ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं उतना ज़्यादा आप भावनाओं में बहकर काम करते हो, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो उतना जल्दी ये पर्सन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और आपसे दूर जाकर या अपनी नींव को कमज़ोर कर कर आज की डेट में ये पर्सन आपकी जो क्वालिटी है, आपकी एक्सेप्टेंस पावर है, आपका चीज़ों को इमोशनली लेवल पर देखना है, उस चीज़ की वैल्यू समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। रिपनेस, आपके अंदर ना पेशेंस बहुत है, आप ना सब्र कर पाते हो, आप उतना सब्र कर पाते हो, एज एन चीज़ों को वक्त देते हो अपने आप से सही होने की, उस चीज़ की भी इम्पॉर्टेंस ये पर्सन समझ पा रहे हैं, यानी कि इन्होंने जब जो भी फैसले लिए ना बहुत क्विकली लिए हैं, बहुत जल्दी इन्होंने फैसले लिए हैं, और अब ये पर्सन समझ पा रहे हैं आपकी इम्पॉर्टेंस की, सब्र का क्या मतलब होता है, सब्र से क्या मिलता है, उस चीज़ को ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं, और ये इसीलिए तो क्योंकि आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है। लवर्स, आपके प्यार को, आपके साथ को, आपके साथ के कनेक्शन को, इन सभी की वैल्यू ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ज़िंदगी में प्यार, जीवन साथी का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और आपके ना होने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या बचा है, पूरा होने की बस कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी से फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो फाइट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके चलते ये पर्सन ना आपकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आपकी क्या वैल्यू है, वो चीज़ें समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझ में तो आ गई है। देखिए मैंने कहा ना अपनी लाइफ से ये फाइट कर रहे हैं, और अब समझ में आ रहा है कि आपसे फाइट करने में इनकी कोई भलाई नहीं थी, इस चीज़ को इंट्यूटिवली ये पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और इवन अब तो वो हालात इनके हो गए हैं जैसे कि बिल्कुल ब्लैंक पड़ गए हूँ,
कुछ सोचना समझना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि ज़्यादा सोचने के चक्कर में ही तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके बैठ गए। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर ट्रैवलिंग है। अब इच्छा इनकी डेफिनेटली होती है आपकी वैल्यू समझने के बाद कि आपसे बात करें, आपकी तरफ मूव करें, आपकी तरफ बढ़े, तो वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए इनके मैसेजेस और देखते हैं, क्योंकि वैल्यू तो इनकी अब आपकी बहुत ज़्यादा है भाई। आपको अब अपनी नींव मान रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या अब इन्हें समझ में आएगा। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है उस चीज़ को समझकर ये पर्सन अंदर ही अंदर रोते हैं। येस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर देट। आपसे कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैंने बहुत लेट कर दिया आपकी वैल्यू को समझने में, बट उन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, आपसे कहना चाह रहे हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, आपकी वैल्यू है इस पर्सन की नज़रों में और अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं आपके साथ रिकनसाइल करना। यू आर माई पीस, तुम मेरे मन की शांति हो, मेरे मन का सुकून हो। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, समय के साथ साथ या तुम्हारी इम्पोर्टेंस समझ कर मेरी फीलिंग्स जो तुम्हारे लिए हैं वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स, कभी कभी ये सोचता हूँ या सोचती हूँ या ये उम्मीद है मुझे कि हम लोग फिर से मिलेंगे। आई एम रियली डाइंग फॉर यू कम बैक, ये मरे जा रहे हैं अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपसे ही ये कहना चाह रहे हैं। और उसके नीचे भी आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप, ये जानते हैं कि इन्होंने आप दोनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो भाई वैल्यू तो इनकी नज़रों में है, दूर जाने के बाद ये समझ पाए हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी। जब तक आप इनकी सुन रहे थे, कर रहे थे, तब तक इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब इन्हें सब समझ में आ गया है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।